आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो पे स्वागत है। आज हम आए हैं पुणे मेट्रो में सफर करने के लिए, क्योंकि पुणे के मेट्रो लाइन में ही बनाया गया है भारत का अब तक का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। उसे पहले देखते हैं। पुणे के मेट्रो को, पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अभी उसने एक रफ्तार पकड़ ली है। आज हम जाने वाले हैं वना से पीसीएमसी तक। लोगों का सफर शानदार करने के लिए, साथ ही तेजी से बढ़ने वाले शहर में ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को राहत देने का काम पुणे की मेट्रो करती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी करते हैं पुणे मेट्रो की एक सफर। फिलहाल पुणे मेट्रो की दो लाइन शुरू है और इनके दो अलग अलग कलर भी है। एक्वा लाइन जो फिलहाल वना से रूबी हॉल तक जाती है, और उसके आगे के लाइन का काम चालू है। जब ये लाइन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी तो वना से रामवाड़ी तक आसानी से जा पाएंगे। पर्पल लाइन फिलहाल सिविल कोर्ट से पीसीएमसी तक शुरू हो चुकी है। पुणे मेट्रो के दोनों लाइनों में सफर करने के बाद हमें ये पता चला कि पुणे का सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि भारत का अब तक का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, और साथ ही ये स्टेशन पुणे का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर एक्वा लाइन और पर्पल लाइन दोनों की कनेक्टिविटी है। सिविल कोर्ट स्टेशन इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है। इस स्टेशन की गहराई 33 मीटर से भी ज्यादा गहरी है और 11 एकड़ से भी ज्यादा एरिया इसने कवर किया है। यहाँ पर आने के बाद आपको इसकी डीपनेस का अंदाजा लगता है। यहाँ पर 18 एक्सेलेटर, 8 एलिवेटर्स और 7 एंट्री और एग्जिट गेट है। फिलहाल रेंजिल से सिविल कोर्ट तक यह लाइन अंडरग्राउंड है। स्टेशन को इसलिए इतना डीप बनाया गया है क्योंकि इसके साइड में ही पुणे की मुठा नदी बहती है। इसके आगे जो बनने वाला स्टेशन है, उसकी लाइन नदी के नीचे से जाने वाली है। जब ये लाइन का काम पूरा हो जाएगा, तब पीसीएमसी से स्वारगेट तक जा सकते हैं। शिवाजीनगर स्टेशन से ये मेट्रो अंडरग्राउंड से होते हुए स्वारगेट तक जाने वाली है। पर्पल लाइन में अभी एक और अंडरग्राउंड स्टेशन है, उसका नाम है छत्रपति शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो स्टेशन की डिजाइन बहुत ही अलग बनाई गई है। एक केले की तरह इस स्टेशन को डिजाइन किया गया है और इसके अंदर महाराष्ट्र के केलों के बारे में जानकारी दी गई है। उनके पोस्टर और फ्रेम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कल्चर और डेवलपमेंट का एक खूबसूरत मिश्रण हमें यहाँ देखने मिलता है। पुणे मेट्रो के बहुत सारे स्टेशन के डिजाइन अलग अलग थीम पे बनाए गए हैं। लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं, बल्कि पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय भी करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की और नयनतारा जी की फिल्म जवान, जो बनी है पुणे मेट्रो लाइन में शूट करने वाली पहली फिल्म।
पुणे और पिंपरी चिंचोड़ जैसे दो बड़े महानगरों को जोड़ने का काम ये पुणे की मेट्रो करेगी। भविष्य में यह मेट्रो पुणे और पिंपरी चिंचोड़ के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इस मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी पुणे के रेलवे स्टेशन, पुणे के बस स्टैंड और साथ ही पुणे के जो मेजर रस्ते हैं वहाँ पर होती है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे पुणे की मेट्रो लाइन बढ़ती जाएगी लोगों का इसका और ज़्यादा फायदा मिलता जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी कभी पुणे आए तो पुणे की मेट्रो का सफर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।